सर्विस वर्कर फाइल रिमूव कर दी मैंने कि app.js में गया और यहाँ पे भी जाके जो एक्स्ट्रा कोड है जिस तरह आप देख रहे हैं कि क्लास कॉम्पोनेंट के अंदर div है, इसको मैं अभी रिमूव करूँगा क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है। हमने बस सिंपल सा काउंटर बनाना है तो ये ऊपर से इम्पोर्ट भी डिलीट कर देता हूँ, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है कि h2 का टैग डाल के यहाँ पे काउंटर ताकि हमारी ऐप थोड़ी बहुत अच्छी दिखे, स्टाइलिंग एक्सटर्नली यूज करेंगे हम। इधर से स्टार्टेड देन ये CSS का लिंक है, कॉपी किया हमने, देन आई पेस्ट इन पब्लिक फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे index.html होगा, ठीक है, और यहाँ पे आप लिंक को प्रेस कर देंगे जस्ट लाइक दैट। फिर ये काउंटर ऐप आपको शो हो रही है जो हमने h2 के अंदर टैग के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे स्टेट बनाऊंगा, स्टेट बनाने का तरीका ये है, आप स्टेट का नाम लिखें और आगे ब्रैकेट लगाएं, फिर इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ काउंट का एक आप कह लें कि वेरिएबल है, ठीक है, हमारी काउंट की स्टेट बन गई है। काउंट की स्टेट मैंने एक बनाई है, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दी है 0 से, ठीक है, क्योंकि काउंटर हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होगा। दैन इंक्रीमेंट का एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं जो इसको इंक्रीमेंट कराएगा, this dot set state, ठीक है, इधर हम इनिशियलाइज करा देंगे अपनी जो हमने स्टेट ऊपर बनाई है काउंट, ठीक है, इसको काउंट प्लस वन करा देंगे जब भी जो फंक्शन इंक्रीमेंट का रन होगा, ठीक है। दिस जो है क्लास के उस पर करती है, टारगेट करती है जो मेन क्लास है, यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, एंडर करके रिटर्न किया है। अब डिफ के अंदर मैं लिखूंगा, ठीक है, अपना जो काउंटर ऐप की हेडिंग है, ऐड बटन, ठीक है, उसमें ओन क्लिक के अंदर मैं इंक्रीमेंट का फंक्शन ऐड करूंगा जो दिस डॉट इंक्रीमेंट से आएगा। दिस जो है हमारी क्लास को टारगेट कर रहा है, तो उसके अंदर जो हमारे पास चीज़ें जैसे एक स्टेट है हमारे पास और एक इंक्रीमेंट का फंक्शन है, तो ये दोनों से टारगेट होंगे। जब मैं शो करा दूंगा जी दिस डॉट काउंट स्टेट डॉट काउंट, अब काउंट यहाँ पे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे जब भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट डालना रह गया, दिस डॉट स्टेट, ये देखें, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो वो काउंटर जो है बढ़ रहा है, ये हमारा क्लास कंपोनेंट में बना है। अब हम ये सारा का सारा काम जो है करेंगे रिएक्ट हुक के साथ, ठीक है, तो रिएक्ट हुक के साथ करेंगे। मैं ये सारे कमेंट कर देता हूँ जो क्लास कंपोनेंट है, देन
ओके मैंने एक बना दिया एरो फंक्शन, ठीक है। इस एरर फंक्शन का नाम है वह। देन अभी आप देखें इसमें से कंपोनेंट है, लेकिन अब हमें हुक्स thank you.
ठीक है, जब भी पहली बार ये रन होगी कंपोनेंट डिड माउंट का ये फ़ायदा। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और कंपोनेंट यूज़ करूँ, ठीक है, जिससे ये होगा कि हमारा जो है ना, जब जब भी ना ये स्टेट चेंज होगी ना, तो तब तो टाइटल अपडेट हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहली बार जब एप्लीकेशन रन होगी तब होगा, और उसमें वो है कंपोनेंट डिड अपडेट है, ठीक है। अब यानी जब जब कंपोनेंट अपडेट होगा, तो यानी जब जब स्टेट चेंज होगी, तो जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है उसके भी ये चेंज हो जाए, ठीक है, उसमें भी ये आ जाएगी क्लिक जितनी भी टाइम्स हमने किया है। इसको मैं कमेंट करके सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए आप क्लिक 0 टाइम्स है। अब मैं नीचे क्लिक करूँगा तो आप फर्क देखेंगे, ऊपर कोई अपडेट नहीं हो रही, क्योंकि पहली बार एप्लीकेशन रन हुई है तब उसने सिर्फ क्लिक किया, तब उसने सिर्फ टाइटल को अपडेट किया। अब मैंने ये डाल दिया अपडेट में, मैंने इसको अनकमेंट किया। अब आप देखना कि जब जब वो मैं क्लिक करूँगा स्टेट को ना, तब तब ना ये रन होगा। ये देखें, अब मैं इसको कर रहा हूँ ऊपर, देखें अब टाइटल चेंज हो रहा है। ये जो आपका लाइफ साइकिल को फंक्शन, ये आपके फंक्शन हैं जो क्लास कंपोनेंट में होते हैं, अब ये सेम हम इंप्लीमेंट किस तरह करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, सबसे पहले तो इसको कमेंट कर लूँ क्लास कंपोनेंट को, देन फंक्शनल कंपोनेंट्स को भी कर, ठीक है। अब इसमें जो है ना, हमने तो यूज़ किए थे लाइफ साइकिल, अब इसमें होते हैं हुक्स, जिसमें एक यूज़ इफेक्ट हुक। ये एक ऐसा हुक है कि ये सारे के सारे हमें ना लाइफ साइकिल की फंक्शनैलिटीज दे देते हैं। इसको लिखने का तरीका ये है, यूज़ इफेक्ट लिख के ब्रैकेट डालें, फिर तो इसके अंदर एरो फंक्शन पास करें, ठीक है। इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो तब तब रन होगा जब जब ना हमारी एप्लीकेशन में कोई मॉडिफिकेशन होती है, मतलब ये है कि जब जब स्टेट चेंज होगी कोई भी स्टेट, ठीक है, तब तब ये रन होगा, ठीक है। मैं ये सेम कोड इसमें कॉपी करके डालता हूँ, ओके। अभी इस वाले यूज इफेक्ट का फायदा ये है, जिस हमने लिखा हुआ है, ठीक है, जब जब काउंट जो है अपडेट होगी तब तब ना हमारा टाइटल अपडेट होगा, ठीक है। अगर यूज स्टेट को सिंपली यू लिखें तो फिर ये होता है, ये भी आप देख लें, ये क्लिक 0 टाइम्स है, ठीक है। मैं जब जब भी इसको अपडेट करूँगा ऊपर भी अपडेट हो रहा है, ठीक है। ये लेकिन दोनों काम एक ही जगह हो रहे हैं, लेकिन जो यूज इफेक्ट है ये ना मॉडिफाई हो सकते हैं काफी। तो अभी आप देखें, ये जो यूज इफेक्ट है इसका यही काम है कि आपको ना ये बार बार टाइटल अपडेट करके दे रहा है, जब जब भी स्टेट अपडेट हो रही है तो आपका ना टाइटल अपडेट हो रहा है। अभी जो है यूज इफेक्ट, वो यूज होता है क्योंकि नॉर्मली अब जो है क्लास कंपोनेंट्स एब्सोल्यूट हो गए हैं, वो बहुत कोई भी यूज़ नहीं करता अब, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन जो हमारे हुक्स हैं उन्होंने हमारे लिए काम बहुत ईजी कर दिया, ये यूज़ इफेक्ट को हम काफ़ी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं।